अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी फरियाल खुर्रम। आज की जो ये लुक है ये थोड़ी सी कलरफुल है, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा कलरफुल लुक्स पसंद नहीं करते उनके लिए ये लुक स्पेशली है। इस लुक को स्टार्ट करते हैं। इस लुक के लिए जो है वो सिर्फ 3 शेड्स रिक्वायर्ड हैं, और ये बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप्स में ये लुक क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आईब्रोज बनाऊंगी। आईब्रोज की शेपिंग के लिए मैं यू कैन बी की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मेरे आईब्रोज जो है वो अनइवन हैं, तो उनको शेप आउट करूँगी ताकि वो अच्छे से बन जाए। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है ताकि जो है एकदम ज़्यादा प्रोडक्ट ना लग जाए, और स्पूली की हेल्प से उसे ब्लेंड आउट करना है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का कंसीलर इन द शेड नेचुरल, और पूरे एरिया में अपने लिड पे कवर कर लूँगी, और जो है एक फ्लैट ब्रश से, कंसीलर ब्रश से उसे स्प्रेड कर दूँगी। इस लुक के लिए मैं जेम्स चार्ल्स पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो शेड लिया वो सो गुड है। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे मैं विक शेड अप्लाई कर रही हूँ स्मजर की हेल्प से। आप चाहें तो फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे अप्लाई करना है और इसे ब्लेंड आउट कर देना है। अब मैं जो है वो ये काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन की, और काजल को ही वाटर लाइन के थोड़े नीचे नीचे भी अप्लाई कर दिया है। उस जो काजल को अप्लाई किया है उसे मैं ब्लू शेड के साथ ब्लेंड आउट करूँगी। प्लेग्राउंड शेड लिया है जेम्स चार्ल्स पैलेट से, और ये बहुत छोटे ब्रश से अभी मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने अप्लाई किया था सिर्फ शेड, और इसके बाद ब्लेंड आउट किया। यह हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मस्कारा अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो फॉल्सीज लगा सकते हैं, मैंने नहीं अप्लाई की। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद आप मेरी फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी स्टेप्स पे ये लुक क्रिएट हो जाती है। आप चाहें तो लोअर आईज़ पे पिंक अप्लाई कर सकते हैं, रेड अप्लाई कर सकते हैं, ऑरेंज, जो भी आपके ड्रेस के साथ शेड हो। सो फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।